तो इतना बड़ा बॉक्स है वैसे, एंड देखते तो यार आपको ये लग रहा होगा कि यार बहुत ही खतरनाक कुछ भी है, तो ये कुछ डंडा लग रहा है। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर न्यू ब्लॉग। सो यार लास्ट के ब्लॉग में मैंने कहा था आप लोगों से कि यार मेरा एक फ्रेंड है जिसने दिल्ली से मेरे लिए एक गिफ्ट भेजा है, ठीक है। एंड ये बहुत ही कम होता है मेरे साथ कि कोई मेरा फ्रेंड मुझे गिफ्ट करता है, अदरवाइज यार मैं तो मांगता हूँ यार गिफ्ट। मैं अपने दोस्तों से मैं कहता हूँ कि यार मुझे गिफ्ट चाहिए, तू कमा रहे तू जॉब कर रहे मुझे अब गिफ्ट चाहिए। दोस्त का नाम है विकास छेत्री यार, अपना गोरखा भाई है, एंड वो अभी फिलहाल दिल्ली पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो बातों में यार उसने ये कहा कि यार नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे है, 1 जुलाई को मेरा बर्थडे है, तो यार बर्थडे आने वाला है, ऐसा टाइप का हम बात कर रहे थे यार उसका, 7 जुलाई को है बर्थडे। तो इस टॉपिक में बात करें तो मुझे एक चांस मिल गया, तो मैंने उसको कहा यार हल्के से कि यार भाई यार गिफ्ट कर दे यार मुझे कुछ भी चीजें। तो आई डोंट नो यार वो किस उसमें था, मतलब कि किस मूड में था, तो बोले कि ठीक है चल यार तेरे लिए मैं कर रहा हूँ। तो यार सुनकर बहुत अच्छा लगा, तो फटाफट उसने कुछ गिफ्ट किया ऑर्डर, तो उसके बाद अभी बस 1 वीक में आ गया। वैसे आज मेरा वीडियो बनाने का कोई प्लानिंग नहीं था, बट यार फिर से सोचा कि ठीक है चलो यार दोस्त ने फर्स्ट टाइम ऐसा गिफ्ट किया तो यार उसके लिए अगर मैं वीडियो बना दूँ वो देखते हैं तो यार उसे बहुत ही खुशी मिलेगी, तो इस कारण से सोचा कि ठीक है चलो फटाफट एक वीडियो बनाते अनबॉक्सिंग का मेरे दोस्त ने जो मुझे गिफ्ट भेजा है। वैसे तो यार मैं अपने दोस्तों से अभी फिलहाल पता मैं क्या गिफ्ट मांग रहा हूँ, मैं मांग रहा हूँ अपने दोस्तों से GoPro, ठीक है, GoPro 11 या फिर 10 या फिर दूसरा Insta 360 कैमरा, ठीक है। वो अगर मुझे मिल जाए ना तो मैं इतना अच्छा अच्छा मैं व्लॉग शूट कर पाऊंगा, या फिर मोटो व्लॉग हो गया, ट्रैवलिंग से रिलेटेड मतलब कि वो चीज है। ड्रोन के लिए बोला था कुछ दोस्तों को तो उन्होंने मतलब कि सुन के डायरेक्ट फोन काट दिया था, तो वो अलग सीन है। बट यार फिर भी कुछ दोस्तों थे तो उन्होंने मतलब कि बोल रहे थे हाँ ठीक है थोड़ा मुझे टाइम दे तो उसके बाद मैं तुझे गिफ्ट करूंगा, ऐसे कुछ दोस्तों बोलते हैं, बट वो बोलने वाले तो बोलते हैं बट देने वाले दे देते हैं। वैसे यार अभी फिलहाल मेरे यूट्यूब से तो इतने पैसे नहीं आ रहे, तो इसी कारण से मैं भी डायरेक्ट ले भी नहीं सकता, ठीक है। एंड वैसे अगर पैसे आते हैं धीरे धीरे तो यार मैं ऑब्वियसली यार जो भी दोस्त मुझे गिफ्ट कर रहे हैं मैं उसको रिटर्न में यार ऑब्वियसली मैं गिफ्ट करूंगा फ्यूचर में, बट अभी के लिए फिलहाल चलो ओपन करते हैं जो भी दोस्त ने भेजा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ये, तो आप गेस कर लेना, ठीक है, फटाफट जो गेस करेगा उसके बाद कमेंट कर देना कि क्या है, किसने पहले गेस किया था। तो ये कुछ निकला ऐसे, अब देखो ये क्या चीज है, कैसे करें तो ये कुछ डंडा लग रहा है गिफ्ट के चक्कर में, यार कोई गिफ्ट यार टूटना दे सकते खतरनाक पैकिंग किया वैसे। यस तो फाइनली ये कुछ ऐसा दिख रहा है गिफ्ट में से निकल के, तो आपने सब गेस कर लिया होगा इतना देखने के बाद। एंड वैसे बचपन में यार बहुत फोड़ते थे ऐसा करके, ये देखो मजा आता अब भी, अरे वाह इसे भी करते हैं, किस किसने फोड़ा ऐसा करके यार बताना, एक और तरीका फोड़ने वाला ऐसा करके, ऐसे एक एक करके फोड़ते मतलब कि फोड़ते थे ये रहा। बट अभी हम हमारे पास टाइम नहीं है तो फटाफट ऐसा करते हैं थोड़ा सा इसको साइड में रख के, उसके बाद ये खोलेंगे यहां से ऐसा कुछ, तो ये कुछ है, तो आपको से देख के समझ में आ गया कि ये क्या चीज है। ये देखो, तो ये देखो यार ये स्टैंड है एंड यहाँ पे है लाइटिंग का मतलब कि यहाँ पे बल्ब लगेगा यहाँ पे, ठीक है, इससे लाइक टेबल लैम्प, तो मैंने फाइनली आपको बोल दिया कि ये टेबल लैम्प है। तो यार देखो यार ये टेबल लैम्प है एंड टेबल लैम्प के साथ जो ऊपर लगता है इसका जो टॉपिंग आता है वो है इधर पे, ये रहा, ये सबसे मेन चीज है इसका। एंड वैसे यहाँ पे एक और चीज अभी भेजा है वैसे, ये रहा ये अभी साथ में बल्ब भी भेजा हुआ है। इसका क्वालिटी कैसा है ये देखो, ये जो है ना ये उसका ये मतलब ये एल्यूमिनियम की चीज है ये अंदर, तो टफ तो है मटेरियल बहुत टफ है। एंड ये साइड में जो प्लास्टिक लगा हुआ है ना मैं ऐसे मैं पहले लगा के देखता हूँ प्लास्टिक के साथ, अगर अच्छा नहीं लगे तो ना ये प्लास्टिक में निकलवा देता हूँ, वैसे भी प्लास्टिक पर अच्छा नहीं लगे मैं निकाल देता हूँ इसको। तो इसे फिट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, मैं फटाफट आपको दिखा दूँ, इसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे ऐसे करके, एंड ये बल्ब लगेगा ऐसे कुछ और ऐसे हम प्लग में डाल के देखेंगे। ये है मेरे पास एक्सटेंशन वायर एंड यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ ऐसे कुछ, तो अभी ओ वाह बढ़िया
तो अभी मैं करने जा रहा हूँ अपने रूम का लाइट ऑफ, तो उसके बाद देखते हैं यार कैसा ये लगता है पीछे दिखने में। ओ गजब। तो ये चीज मुझे मतलब कि जरूरी था, क्योंकि जब मैं यहाँ पे बैठ के अपना एडिटिंग करता हूँ ना, तो ये एक लाइट मुझे ऑन रखना पड़ता था, नहीं तो पूरा अंधेरा हो जाता है। तो उस कारण से मुझे एक ऐसा लाइट चाहिए था, छोटा सा डिम लाइट, जो कि रूम में मतलब कि अच्छा दिखे और थोड़ा इंटरेस्ट भी मतलब कि बना रहे एम्बियंस। तो चलो सही है, ये लग रहा है भी अच्छा। सो मेरा जो रूम का स्पेस वो बहुत ही कम है ना, तो इस कारण से मैं इसे यार सही जगह पे प्लेस कर नहीं पाया। तो लास्ट में जाके मैंने रख दिया इसके इसे टेबल के बिल्कुल साइड पे, एंड यहाँ पे मिरर है, तो मिरर पहले थोड़ा इस तरफ सा, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा साइड कर देना, एंड आलना तो यार पूरा मतलब कि साइड में चला गया यार, बहुत ही गंदा हो रखा है, मत देखो आप लोग। तो इस कारण से मैंने रखा हुआ है इसको लैंप को यहाँ पे, एंड अगर अभी हम लाइट ऑफ करके देखें कि कैसा लगता है ये, तो ये कुछ दिख रहा है ऐसे, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, एंड यहाँ पे मैं अपना काम कर सकता हूँ, एंड वैसे यहाँ पे ना ज़्यादा मतलब कि रोशनी भी मतलब कि आँखों में मतलब कि चुभेगा नहीं, तो यार बहुत ही सही लग रहा होगा। सो गाइज, अगर आप भी चाहते हो अपने दोस्तों से गिफ्ट लेने के लिए, तो इस वीडियो को करो लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड इसमें मैं मतलब कि आपको एक फ्री टिप्स देने जा रहा हूँ, एंड ये फ्री टिप्स ये है कि ना, अगर आप दोस्तों से गिफ्ट लोगे ना, तो आप उनको कॉल करना वीकेंड के टाइम को, रात को कॉल करना, बातें करके उसके बाद लास्ट में आप गिफ्ट ले लेना, ठीक है दोस्तों से। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो गाइज, आई विल सी यू सून इन अनदर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन चलो बाय गाइज, टेक केयर।